सो हे गाइस, पता ही है आपको, अगर Realme C2 डिवाइस में लॉक स्क्रीन, मतलब कोई भी Realme डिवाइस में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता है एंड कर भी सकते हो लॉक स्क्रीन मैगजीन में जाके, लेकिन गाइस इस चीज़ को आप होम स्क्रीन में भी अप्लाई कर सकते हो Realme C2 एंड कोई भी डिवाइस में। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल देख सकते हो मैं अगर लॉक स्क्रीन खोलता हूँ तो मेरा जो Realme का वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक होम स्क्रीन में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं गाइस, अगर आप डबल टैप करोगे तब भी आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज होता रहेगा, जो काफ़ी कमाल का बात है। देख सकते हो मैं जब डबल टैप कर रहा हूँ तो मेरा जो होम स्क्रीन का वॉलपेपर है वो चेंज हो रहा है। सो अगर आप भी जानना चाहते हो इसको कैसे अप्लाई करना है कोई भी Realme डिवाइस के, चाहे वो C2 एंड कोई भी Realme डिवाइस, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करना, स्क्रीन में शो अप हो रहा है यूजर नेम एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी रिप्लाई सभी कुछ देता रहता हूँ, तो फॉलो जरूर कर लेना। सो विद अ स्ट्रॉन्ग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी बात किया जाए इसको अप्लाई के प्रोसेस, तो ये काफ़ी सिंपल है। तो इसके लिए सिंपली मेरा डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ मिल जाएगा, तो उसको पहले डाउनलोड कर लेना एंड डाउनलोड करने के बाद उसको फिर से ओपन करना है सिंपली। ओपन करने के बाद आपके पास सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है चेंज वॉलपेपर एवरी, वहाँ पर आपको क्लिक करके 1 मिनट्स कर देना है, मतलब इसको मिनट्स में करना है। मतलब अगर आपका जो वॉलपेपर है वो हर मिनटर में चेंज होता रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर 2 चेकबॉक्स देखने को मिल जाते हैं, चेंज वॉलपेपर ऑन लॉक स्क्रीन ऑन लॉक, और दूसरा वाला तो इसको सिंपली आपको टिक मार्क लगा देना है। एंड उसके बाद आपको एक दूसरा टैब मिलता है ऊपर में, वो है एल्बम। तो इस एल्बम में आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो फोटो दिखा रहा है इसमें अगर क्लिक करोगे तो आपका जो गैलरी है ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर डाउन में एक प्लस आइकन देखने को मिलता है, तो इस प्लस आइकन को आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जो एड इमेज है इस एड इमेज में क्लिक करना है। एंड एड इमेज में क्लिक करने के बाद आपका जो गैलरी है ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद आप सिंपल तरीके से जो फोटो आपको चाहिए उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना, तो मैं एक फोटो को कर देता हूँ ऐड, बहुत ही बढ़िया। एंड उसके बाद ऐड करने के बाद सिंपल तरीके से इस ऐप्स का सेटिंग में चला जाना पड़ेगा। एंड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो 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 सेटिंग दिखा रहा हो यहाँ पर जो फिट है फील है इसको कर देना है। एंड इमेज साइज इसको आपको लॉन्चर में क्लिक कर देना है बस। एंड ये सभी कुछ करने के बाद आप एक ऑरेंज कलर का बार देखने को मिल जाता है ऊपर में, इस ऑरेंज कलर का बार में आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है, बहुत ही बढ़िया। एंड देन आपको डायनेमिक वॉलपेपर प्रीव्यू में करके इसको शेड एज वॉलपेपर कर देना है, बस आपके कस तमाम। तो आप देख सकते हो कि आप जब भी डबल टैप करते हो तो वॉलपेपर चेंज होगा, एंड देन आप जब भी अनलॉक करके अनलॉक करते हो तो भी होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज होगा। एंड गाइस सेव ऐसा ही नहीं, आप 1 मिनट आपके फ़ोन से साथ गुजर दोगे तो आपका जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो काफ़ी कमाल का बात होता है। तो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, एंड इंस्टा में भाई को ज़रूर फॉलो कर लेना।